देखो तो सौम्या निर्वाचन को पांच मास रहा पांच मास पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पांचटी पॉइंट उपर गुरुत्व देते डिसेंबर 26 रे बीजेडी रो प्रतिष्ठा दिवस ता पूर्व आज कार्यकारिणी उपर समस्त को नजर थिला कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज कार्यकारिणी कौन संदेश देबे कौन बार्ता देबे दलीय नेता कर्मी को 2024 केमती रणनीति नहीं कि बीजेडी आसीब आपण जानते विगत किछि दिन धरी केन्द्रीय अवहेला प्रसंग रे विशेष करी किछि बड़ प्रश्न उठाउनथला बीजेडी तो समस्त मन रे टिके प्रश्न रहुतला तांको नेता और कर्मी भी कन्फ्यूज थे बीजेडी रो कि केमिति सेमाने टार्गेट करिवे जातीय दल बीजेपी को केमिति सेमाने लड़िबे ग्राउंड जीरो रे केमिति सेमाने लड़िबे बीजेपी सह समस्त नजर थिला कि आज कार्यकारिणी सबुठ बड़ निष्पत्ति कौन निजी बीजेडी तरफ आप जो भाव आलोचना करते पांचटी पॉइंट उपर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज गुरुत्व देते से पांचटी पॉइंट को मुझे दोहराइवाई चाहिए प्रथम पॉइंट रहा केन्द्रीय अवहेला आप जानते जो भाव पूर्व किसी जातीय स्तर निष्पत्ति बीजेपी को बीजेडी सपोर्ट कर आसूला से दिन ठीक आम देखुल कि केन्द्रीय अवहेला प्रसंग केउना केउटी ओडिसा रे टिके थम्मी जाइतला दबी जाइतला केन्द्रीय अवहेला प्रसंग को लेकिन बीजेडी तरफ से किसी आंदोलन होउनथला कि राजरास्ता को बीजेडी रो नेता माने ओल्हौनथिले किंतु एबे जतबेले दलर सुप्रीमो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहि सलेनी कि केन्द्रीय अवहेला प्रथम पॉइंट रहा 2024 निर्वाचन पूर्व जो पॉइंट रे जाकि ग्राउंड जीरो रे जनता को बुझेबे सेकेंड पॉइंट है विरोधी को टार्गेट कर सबुठ बड़ माध्यम वर्तमान समय रही सोशल मीडिया आप जानते कि सोशल मीडिया रे प्रचार अपप्रचार बहुत चलू तेणु यह गोटे अमोघ अस्त्र सब राजनीतिक दलपाई नेता मध्य रिल्स करूँ इनस्टा सक्रिय हूँ एक्स सक्रिय हूँ सबुब बीजेडी तरफ नेता और कर्मी को कहुई आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से पॉइंट उपर गुरुत्व देते कि विरोधी को टार्गेट करवा और सोशल मीडिया दलर जो कार्यक्रम रही सरकार जो विकास काम सब रही केमती प्रचार करवा तो सोशल मीडिया को गोटे बड़ अस्त्र भाव 2024 निर्वाचन में बीजेडी व्यवहार कर से नहीं आज संदेश देते नवीन पटनायक थर्ड पॉइंट रही सोशल मीडिया रे प्रचार सह महिला और युव भोटर को ऊपर नजर आप जानते जी ओडिशा राजनीति कथा कहले ओडिशा राजनीति बीजेडी तथा तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को महिला मैंने बेसी पसंद करती विगत निर्वाचन फलाफल आम यह स्पष्ट हो सारी जाणीचे से सेल्फ हेल्प ग्रुप एस एच जी ग्रुप मैंने अच्छी मिशन शक्ति रही ओडिशारे बीजेडी सरकार सबुठ मुख्य जदि कह मिशन शक्ति को केमती समृद्ध करवा केमती विकास अनेक योजना आई एक्स्ट्रा बजेट बनवा तो मिशन शक्ति महिला द्वारा महिला मानक स्वावलंबी कर विभिन्न क्षेत्र में सामानक व्यवसाय बनई कि बड़ बड़ एंटरप्रेन्योर बनवाई सरकार चेष्टा कर पक्षर सब विरोधी कहते कि बीजेडी वोट सेयरिंग मैटर करती महिला और युव भोटर पर नजर रही 2024 रे महिला भोटर आव भोटर को वोट निर्णायक हम कि ओडिशा रे किए सरकार गढ़ पंचम पॉइंट रहा राज्य सरकार को योजनार प्रचार जिते पार सोशल मीडिया टू आरंभ करी बूथ स्तर रे पंचायत स्तर रे ब्लॉक स्तर रे जिला स्तर रे सबुठ जाकि बीजेडी नेता और कर्मी मैंने सरकार कौन विकास काम रही कौन कौन सब योजना रही योजन केमी लाभवान हो पारे जनता भोटर पाखे भोटर कान सब से कथा को पूरेवा कि ए सरकार उपलब्धि कौन रही पांच वर्ष रे बीजेडी ओडिशा रे कौन कौन सब काम करी से कथा को लेकिन भोटर पाखे केमती स्पष्ट भाव पहुंचा जा पार रही पांचटी पॉइंट रेष पॉइंट निहत भाव में मौसमी जमी आप आलोचना करते पांचटी पॉइंट उपरूर यार भितर आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसी वीके पांड्यान सीधा सड़क भाव में 2024 निर्वाचन लड़े ना जो कथा कहुला जो आशा कराला से आज पुनच्छेद पड़ी संगठन को मजबूत करेंगे अर्थात संगठन केमी आहरी लोकों पाखे पहुंची पार तृणमूल स्तर में पहुंची पार्टी गुरुत्व दि जाए विरोधी को टार्गेट बीजेडी कार्यकारिणी विरोधी को टार्गेट कर सरकार रूपातरण विरोधी को बड़ झटका एक कई ये हूँ बड़ प्रसंग जहाँकि आज उठी अपप्रचार कर बदनाम करने प्रयास कर मुकाबला करने दलियों नेता निर्देश दि जाए ये हूँ आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग केमी अपप्रचार कर बदनाम करने प्रयास कर सोशल मीडिया तृणमूल स्तर में अपप्रचार मुकाबला करने आह्वान दि जाए सोशल मीडिया को दल अस्त्र कर एक स्पष्ट भाव में नवीन पटनायक अर्थात सोशल मीडिया एक बड़ माध्यम पलटुची लोकों पाखे पहुँचापी सोशल मीडिया को वर्तमान समय विजु जनता दल अस्त्र करने जाऊँगी विरोधी को टार्गेट करने को पचाई ना मौसुमी
जमती आम आलोचना करते वीके पांड्यान सीधासलख निर्वाचन लड़े ना ये स्पष्ट सूचना सामना को आसी सारी अर्थात संगठन आहुरी मजबूत हो संगठन को मजबूत करने पांड्यान एक बड़ प्रमुख भूमिका र देखो दो बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक आज जो पांचटा पॉइंट उपरे वार्ता देले ही जना पड़ी जाउची 2024 पई बीजेडी रो बिगुल आज थारु बाजी सारी समस्त को नजर थिला कि कार्यकारिणी रे किछि बड़ निष्पत्ति निया जीव कि बीके पांड्यान को उपर एसए निर्वाचन लड़िबे कि नाही जदी लड़िबे केउ निर्वाचन मंडल लड़िबे कारण सब विधायक बा सांसद माने टिके छानिया है कि थिले सेमानो को निर्वाचन मंडल रे टिकट पाई कि बीके पांड्यान निर्वाचन लड़िबे कि समस्त को मन रे बड़ प्रश्न थिला द्वंद्व भी थिला बीजेडी नेता को भीतर किंतु आज स्पष्ट हो गला कि 2024 निर्वाचन बीके पांड्यान लड़िबे नाही ए जो 2024 निर्वाचन रो मैदान रहइबो निर्वाचन रो युद्ध रहइबो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीके पांड्यान सारथी हेजिबे किंतु से सीधासल निर्वाचन को आसिकी लड़िबे नाही से संगठन बुझिबे केमती स्ट्राटेजी हबो पर्दा पछे रहिके बुझिबे किंतु सीधासल निर्वाचन को आसिबे नाही निर्वाचन मैदान निर्वाचन लड़िबे नाही तो निहतबे आज यही संदेश तो स्पष्ट ही सारी कि बीके पांड्यान 2024 निर्वाचन लड़िबे नाही किंतु निर्वाचन रे जितिबा पई मुख्यमंत्री को षष्ठ थर नवीन पटनायक को ओडिशा रे षष्ठ थर मुख्यमंत्री करबा पई 1990 रे बिजू पटनायक निर्वाचन जितिकी 123 सीट हाथे ओडिशा रे तार रेकर्ड भांगिबा पई बीजेडी प्लान करछी 2024 रे तो 2024 रे 195 जो 123 सीट बिजू पटनायक जीति तो वर्तमान समय रे 2024 रे नवीन को सरकार रे 123 सीट सह 125 रो टारगेट रखी बीजेडी तो 2024 रे 125 सीट रो टारगेट रखी बोली बीजेडी राजनीतिक महल चर्चा होती 125 सीट को केमती बीजेडी हतेब से कौन कर सब स्ट्राटेजी हुए तो बीके पांड्यान प्रस्तुत करेंगे सी निर्वाचन मैदान को सीधा सड़क आसबे ना आउ गोटे कथा आला देखिथे केन्द्र अवहेला कथा तो गला सोशल मीडिया कथा गला कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरीकरण ओडिशा रे देखी विरोधी छानिया अच्छा आश्चर्य हो जाऊँ तेणु यही कथा आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्पष्ट भाव कहते कि विरोधी छानिया ओडिशा रो ट्रांसफॉर्मेशन बा रूपांतरीकरण को देखिकी तेणु विरोधी को आज कार्यकारिणी बैठक में टारगेट कर नवीन पटनायक ग्रासरूट को जातु नेता कर्मी मैंने तृणमूल समस्या बुझुत समाधान करवीन पटनायक।